हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल बीसी पे, जहां आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस प्रेडिक्शंस के बारे में, मतलब कोरोना वायरस पर जो भविष्यवाणियां हो चुकी हैं उनके बारे में। सेकंड, हम बात करेंगे कोरोना वायरस है क्या, एंड थर्ड हम बात करेंगे लेटेस्ट अपडेट्स अबाउट कोरोना वायरस। तो सबसे पहले बात करते हैं कोरोना वायरस प्रेडिक्शंस की, मतलब कोरोना वायरस पर जो भविष्यवाणियाँ हो चुकी हैं। आज से लगभग 40 साल पहले 1981 में एक नोबल छपा था जिसका नाम था द आइज ऑफ डार्कनेस, जो कि लिखा था डीन कोंट्स ने, जिसमें वुहान 400 वायरस का जिक्र था, जिसमें कहा गया था कि ऐसा एक वायरस वुहान शहर से फैलेगा और काफ़ी ज़्यादा लोगों की मृत्यु होगी। एंड सेकंड पे जो कुछ लगभग 12 साल पहले एक बुक छपी थी 2008 में, जो थी एंड ऑफ डेज प्रेडिक्शन एंड प्रोफेसिस अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, जो कि लिखी थी सेल्विया ब्राउनी ने, जिसमें उन्होंने लिखा था कि 2020 के स्टार्टिंग में एक महामारी फैलेगी और जैसे वो अचानक से फैलेगी वैसे ही सडनली वो वैनिश भी हो जाएगी, मतलब सडनली वो अचानक से ख़त्म भी हो जाएगी और उसके 10 साल बाद फिर से वो महामारी दोबारा फैलेगी। तो ये थी कुछ प्रेडिक्शंस अबाउट कोरोना वायरस। तो कुछ पिक्स भी मैंने शेयर करी हैं बुक की, जो आपको सामने दिख रही होंगी। तो अब हम बात करेंगे कोरोना वायरस के बारे में कि कोरोना वायरस एक्चुअल में है क्या और इसे कोरोना वायरस क्यों कहा जाता है। कोरोना वायरस एक्चुअली एक फैमिली ऑफ वायरस होता है, जिसमें हर वो वायरस आता है जिसकी प्रोटीन स्पाइक्स होती हैं और वो स्पाइक्स कुछ क्राउन की तरह दिखती हैं, इसलिए इसे कोरोना नाम दिया गया है। ये डिटेल मुझे इंटरनेट से मिली थी, तो इसमें कितनी सच्चाई है इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता, मुझे कुछ लगा इसमें से ही तो मैंने बता दिया। तो अब हम जानेंगे कोरोना वायरस जो अभी फैला है उसके बारे में, और ये WHO की वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा। कोरोना वायरस जूनोटिक है, जूनोटिक जो कि जूनोसिस से आया है, जिसका मतलब है बीमारियों का ट्रांसमिट होना एनिमल से ह्यूमंस में। इससे पहले भी दो तरह के कोरोना वायरस फैल चुके हैं, जिसमें फर्स्ट आता है सार्स कोरोना वायरस। सार्स मतलब सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो कि 2002 में चाइना में फैला था और ये सीवट कैट से ह्यूमंस में ट्रांसमिट हुआ था, जिससे काफ़ी लोगों की जान गई थी। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे कोरोना वायरस फैला था वो था मर्स, मतलब मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो कि सऊदी अरेबिया में 2012 में फैला था और ये ऊँटों से ह्यूमंस में ट्रांसमिट हुआ था। एक बात और सामने आती है कि क्या ये कोरोना वायरस जो अभी फैला है वो गर्मी आने पे ख़त्म होगा या नहीं, तो इस पे कह पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि जो सार्स है वो सर्दियों में फैला था चाइना में और गर्मियां आने पर वो ख़त्म हो गया था, निष्क्रिय हो गया था। पर जो मर्स फैला था सऊदी अरेबिया में वो गर्मियों में ही फैला था, तो अभी तक इस पे कुछ श्योरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता कि ये जो भी कोरोना वायरस फैला है वो गर्मी आने पर ख़त्म होगा कि नहीं होगा। और ऐसे बहुत से कोरोना वायरसेस हैं जो एनिमल्स में हैं, बट उन्होंने अभी तक किसी ह्यूमंस को इन्फेक्ट नहीं किया है एक्सेप्ट दीज थ्री। तो अब बात करते हैं लेटेस्ट अपडेट की। तो WHO के अकॉर्डिंग ये जो न्यू कोरोना वायरस है वो पहली बार WHO कंट्री ऑफिस इन चाइना में रिपोर्ट किया गया 31 दिसंबर 2019 को। और एक और बात कि 10 जनवरी 2020 को डॉक्टर ली वेनलियांग ने इस वायरस की जानकारी को सार्वजनिक कर दिया था और उन्होंने इसे सार्स 2 नाम दिया था। और 30 जनवरी को WHO ने एक आउटब्रेक डिक्लेयर किया था, पब्लिक हेल्थ एमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, और इस वायरस को WHO ने COVID-19 के नाम से अनाउंस किया था 11 फरवरी 2020 को। और डॉक्टर ली वेनलियांग ही पहले इंसान थे जिन्होंने
इसका जेनेटिक सीक्वेंस सार्वजनिक किया था ताकि सभी इस वायरस को डिटेक्ट कर सकें, और वो सीक्वेंस WHO की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है और सबको इसके बारे में उन्होंने जानकारी दी थी, पर वो खुद इस वायरस का शिकार हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। और टोटल 118,000 केसेस जो हैं वो सामने आ चुके हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसमें 4,300 की डेथ हो चुकी है। इवन अकेले चाइना में ही 80,950 के अराउंड केसेस हैं, और इंडिया में टोटल 73 केसेस सामने आ चुके हैं, जिसमें 56 इंडियंस हैं एंड 17 फॉरनर्स हैं। तो अब बात करते हैं कि कैसे पता चलता है कि सामने वाले को कोरोना वायरस है या हम में है, या मतलब कैसे पता चलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें है या सामने वाले को है। तो इसके लक्षण हैं जो कि आपको WHO की वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे। तो सबसे पहले खुद में फीवर, कफ, स्नीजिंग, कुछ ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं, क्योंकि जब भी हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम ये इंश्योर करता है कि वायरस हमारी बॉडी में आया है, तो सबसे पहले वो बॉडी के टेम्परेचर को राइज करता है ताकि वो सब वायरस नष्ट हो जाएं जो हाई टेम्परेचर में सस्टेन नहीं कर सकते, जो हाई टेम्परेचर को नहीं झेल सकते। इसके साथ ही कुछ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस में थोड़ी कमी देखना, कमी इन द सेंस कि भारी सांस आना, कुछ डिफ़िकल्टी आना सांस में। और इसके मेजर सिम्टम्स हैं निमोनिया, जिस इंसान को कोरोना वायरस होता है उसे निमोनिया होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, किडनी फेलियर हो सकता है और इवन डेथ भी हो सकती है। और हमारे एयरपोर्ट्स पे कैसे पता चलता है कि सामने वाले पर्सन को कोरोना वायरस है या नहीं। एक्चुअली अभी तक ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं बना है, जो डिवाइस नहीं बना है जो ये पता लगा सके कि सामने वाले को कोरोना वायरस है या नहीं। एयरपोर्ट पे वो पता लगाते हैं विद द हेल्प ऑफ थर्मल सेंसर्स, वो ये देखते हैं कि जो भी इंसान इस वक्त वहाँ पे प्रेजेंट है उसका बॉडी टेम्परेचर कितना है। अगर वो नॉर्मल से ज़्यादा है तो वो उसको एक साइड कर देंगे, और जिसका नॉर्मल है उसको वो जाने देंगे, और जिसका नॉर्मल से ज़्यादा होगा उस पर टेस्ट किए जाएंगे, जिसमें मेन जो टेस्ट है वो है PCR टेस्ट, जिसका मतलब है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये टेस्ट विद द हेल्प ऑफ ब्लड सैंपल, थूक या फिर बलगम से किया जाता है। वहाँ से हम जेनेटिक सीक्वेंस उस वायरस का मैच करते हैं जो कि डॉक्टर ली वेन लियांग ने शेयर किया था। अगर उस इंसान जिसका ब्लड लिया गया है टेस्टिंग के लिए, उसमें जो वायरस पाया जाता है उसका जेनेटिक सीक्वेंस सेम वैसा है जैसा डॉक्टर ली वेन लियांग ने शेयर किया था, तो वो मतलब कोरोना वायरस इन्फेक्टेड है। और अब तक कोरोना वायरस का इंजेक्शन नहीं बन पाया है, इस पर रिसर्च चल रही है, और कहा यह जा रहा है कि 1.5 से 2 साल भी लग सकते हैं और कुछ मंथ्स भी लग सकते हैं। हर किसी का अपना अपना व्यू है इसको लेके, बट मेन चीज़ ये है कि अभी इसका कोई इलाज नहीं है, तो इसलिए हम सिर्फ इसको फैलने से रोक सकते हैं। और मेन चीज़ ये भी है कि ये जो वायरस है वो जल्दी नहीं मरता, बाकी डिपेंड करता है कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैसी है, अदरवाइज़ ये अप्रोक्स 9 डेज तक, अगर एक जगह किसी ने खांस दिया है जिसको कोरोना वायरस है तो वो वहाँ 9 दिन तक मिनिमम रहेगा। तो बात करते हैं प्रिवेंशंस की। हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम इसको फैलने से रोक सकते हैं। तो वो कैसे रोकें? अपने हाथों को हैंड वॉश से साफ़ करें जितनी बार हो सके, मास्क का यूज़ करें, और सरफेस को क्लीन करने के लिए डिसइंफेक्टेंट्स का यूज़ करें। और कुछ मैं नाम WHO की वेबसाइट से स्क्रीनशॉट लेके शेयर कर रहा हूँ, जिसमें ये बताया गया है कि कैसा डिसइंफेक्टेंट और हैंड वॉश हमें यूज़ करना है। अल्कोहल बेस्ड हैंड वॉश ही यूज़ करें, और डेली अपने हाथों को जितनी बार हो सके उतनी बार धोएं, क्योंकि ये वायरस अगर बाहर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में है तो विद द हेल्प ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स ये इसको फैलने से रोका जा सकता है। बट अगर एक बार आपकी बॉडी के अंदर चला गया
तब इसका कोई इलाज नहीं है और धीरे 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 ये फैलता चला जाता है और इसे पूरी तरह फैलने में 14 दिन लगते हैं, मतलब आफ्टर 14 डेज ये पूरी तरह आपकी बॉडी में फैल जाएगा, जिसके लक्षण 1 या 2 दिन से ही आपको दिखने लग जाते हैं। और एक और बात, अपने हाथों से अपने नाक कान मुंह को बहुत कम टच करें, बिकॉज यही यहाँ से वायरस का आपकी बॉडी में एंटर करने का सबसे ज़्यादा खतरा है। और एक और चीज़, अभी इंडिया ने फॉरेन जाने के लिए सभी रास्ते बंद कर दिए हैं, चाहे वो वाटरवेज है चाहे वो एयरवेज है। अब जो भी यहाँ से बाहर जाना चाहता है फॉरेन में, वो सिर्फ कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम ही होगा तभी जा पाएगा, और वहाँ से अगर वापस आता है तो उसे डायरेक्ट आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा और उसे पूरी टेस्टिंग के बाद ही छोड़ा जाएगा। और एक और एक्ट है जिसे लागू करने की बात चल रही है, एपिडेमिक डिसीज़ एक्ट 1897 का सेक्शन 2 लागू करने की बात चल रही है, जिसमें अगर कोई सस्पेक्टेड पाया जाता है तो निरीक्षक को पूरा अधिकार है कि वो उसे हॉस्पिटल में रखे या फिर आइसोलेशन वार्ड में रखे उसकी पूरी टेस्टिंग के लिए। इवन उसको अगर शक भी होता है कि इसमें कोरोना वायरस के कुछ लक्षण हैं या कुछ है जिस, तो वो उसे हॉस्पिटल में या आइसोलेशन वार्ड में रख सकता है टेस्टिंग के लिए। और अगर सेक्शन 3 भी लागू हो गया तो सस्पेक्टेड केस अगर मना करता है या रिजिस्ट करता है तो उसको पनिशमेंट भी दी जाएगी। तो ये था कोरोना वायरस की बेसिक नॉलेज जो आप सबको पता होनी चाहिए। आशा करता हूँ कि आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा, और सेफ रहें, तंदुरुस्त रहें, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखें, एक्सरसाइज करें, WHO के जितने भी निर्देश दिए गए हैं उनको फॉलो करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। बी सेफ, बी हेल्थी।